नमस्कार, फर्स्ट पे आज झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राजधानी पटना को मॉडल टाउन बनाने की कोशिश लगातार जारी है। बता दें कि सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से राजधानी पटना को मॉडल टाउन बनाया जाए, और अब इसी सिलसिले में एक फैसला लिया गया है कि राजधानी पटना के गलियों में 10,000 और स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। बता दें कि नगर निगम ने 10,000 स्ट्रीट लाइट लगाने की राजधानी पटना के गलियों में ये तैयारी शुरू कर दी है, और बता दें कि इस सिलसिले में एक हेल्पलाइन नंबर भी आम लोगों के लिए जारी किया गया है, जिस पे स्ट्रीट लाइट से जुड़ी शिकायत आप दर्ज करा सकेंगे और उसके बाद से उस समस्या का समाधान भी किया जाएगा। तो आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो राजधानी पटना है उसको मॉडल टाउन बनाने की कोशिश की जा रही है। राजधानी पटना को मॉडल टाउन बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पटना की गलियों में नगर निगम 10,000 और स्ट्रीट लाइट लगाने की तैयारी कर रहा है। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL कंपनी स्ट्रीट लाइटें लगाएंगी। इसका काम जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। फिलहाल नगर निगम 5 करोड़ बकाया राशि जल्द कर देगा। इसके अलावा लोगों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिससे लोग स्ट्रीट लाइट से जुड़ी शिकायत दर्ज कर सकेंगे। दिसंबर 2021 तक की बात करें तो नगर निगम क्षेत्र में 82,000 स्ट्रीट लाइट लगा दी गई है। हालांकि अब भी पटना की कई गलियां ऐसी हैं जहां अब तक स्ट्रीट लाइटें नहीं लगाई गई हैं। कई गलियों में बिजली के पोल लगाकर छोड़ दिए गए हैं। वहीं स्थानीय निवासी निवर्तमान वार्ड पार्षदों पर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए दबाव बनाए हुए हैं। निवर्तमान वार्ड पार्षद नगर निगम मुख्यालय में दबाव बनाए हुए हैं। वहीं नगर निगम के बीते कार्यकाल में सर्वसम्मति से 10,000 स्ट्रीट लाइट लगाने के प्रस्ताव पर हरी झंडी मिली थी। इससे जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक 15 अगस्त के पहले स्ट्रीट लाइट लगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल जगहों का चयन किया जा रहा है जहां स्ट्रीट लाइट लगाना उचित हो। नगर निगम क्षेत्र में 82,000 स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। इस बार गलियों में प्राथमिकता पर लाइट लगाने का प्लान है। तो आपको बता दें कि राजधानी पटना को मॉडल टाउन बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और अब इस सिलसिले में पटना की गलियों में नगर निगम 10,000 और स्ट्रीट लाइट लगाने की तैयारी कर रहा है, और इसका काम भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल न भूलें।